दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। मध्य प्रदेश में बिजली की दरें तो पहले से ही महंगी हैं और इस बीच में इस महंगाई में कुछ राहत एमपी की कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में दिया था। योजना के तहत सभी घरेलू सिंगल फेज उपभोक्ताओं को एक रुपए यूनिट में बिजली दी गई और टैरिफ आज भी लागू है। अब एक बार फिर खबरों की माने तो उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का करंट लग सकता है। यदि नया टैरिफ लागू होता है तो बिजली महंगी हो सकती है। बदलाव सिर्फ घरेलू टैरिफ में किया जाना है, हालांकि इसमें नियामक आयोग को फैसला लेना है। फिलहाल तो पुराने टैरिफ पर ही बिलिंग हो रही है। खबर यह थी कि बिजली की नई दरें अप्रैल से लागू होंगी, पर अब तक ऐसे कोई नए आदेश सतना सर्कल में नहीं आए। पर बातें ये भी हैं कि अगले बिलों में नया टैरिफ लागू हो सकता है और ये भी तब भी संभव है जब नियामक आयोग का नतीजा सामने आएगा। सूत्रों की माने तो वितरण कंपनियों ने आयोग के सामने दरों को बढ़ाने की मांग पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। इसमें जनसुनवाई और आपत्तियां आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी कई करोड़ों का घाटा कम करने के लिए घरेलू दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव दे चुकी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के जानकार बताते हैं कि कंपनियों ने तकरीबन 2500 करोड़ का राजस्व बढ़ाने के लिहाज से घरेलू बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मांग है कि तकरीबन 8% दर घरेलू बिलों में बढ़ाई जाए। हालांकि हर अप्रैल माह में नया टैरिफ लागू होता है, जो इस बार नहीं किया गया। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। गलियारों में चर्चा ये है कि असम बंगाल चुनाव के बाद बिजली की दरों में इजाफा होगा, तो एक चर्चा ये भी है कि कभी कभी आयोग देरी से अपना फैसला देता है। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।